गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश कुमार फ्रॉम कृष्णा पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक एल्गी फ्रॉम चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो स्टूडेंट्स, एल्गी आर द सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल विद इन द सेल्स एंड दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. सो यू कांट से दैट एल्गी इज अ प्लांट. ओके, इट इज़ अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इनके पास ना कोई रूट्स होते हैं, ना स्टेम्स होते हैं और ना लीव्स होते हैं, तो अपने आप में ये एक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक एंड लिव इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस. ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और ये वहाँ पर रहते हैं तो पानी में या फिर नमी वाली जगहों पर. सम एल्गी आर फाउंड इन स्नो एंड सम इन हॉट स्प्रिंग्स. कुछ एल्गीज आपको बर्फ़ में भी मिल सकती हैं जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ में, और कई हॉट स्प्रिंग्स में मिल सकते हैं जहाँ पर गर्म पानी के झरने होते हैं. एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ये एक सेल वाले भी हो सकते हैं और बहुत सारे सेल्स वाले भी हो सकते हैं. और इनका जो साइज़ होता है वो 1 माइक्रोन यानी 10^-6 मीटर से लेके कई लंबी मीटर्स तक हो सकता है, कई मीटर्स तक भी हो सकता है. मतलब छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़ा तक हो सकता है. अब इनके यहाँ पे 3 टाइप्स मेंशन किए हुए हैं आपको, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और डायटम्स. इस पेज पे आपको सिर्फ ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रहा है, नेक्स्ट पेज पे डायटम्स भी है. ठीक है, तो ग्रीन एल्गी के यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे ये कॉन्डोरस है, फ्यूकस है. ठीक है, सो ये इस टाइप से ये ग्रीन एल्गी होती हैं. और अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं ऑसिलेटोरिया एंड एनेबिनिया एनेबियाना आर ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिंगल सेल्ड कॉलोनियल ऑटोट्रॉफ. तो ब्लू ग्रीन एल्गी के जो एग्जांपल दे रखे हैं क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड और कॉलोनियल ऑटोट्रॉफ होते हैं. मतलब ये अकेले नहीं रहते हैं, दे ऑलवेज यूज टू लिव इन कॉलोनीज एंड दे हैव अ प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर. सम एल्गी कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर बिकॉज दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. इनमें से कुछ जो एल्गीज होती हैं हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर भी. क्यों? क्योंकि ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप की एल्गीज के यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपको विद देयर पर्टिकुलर लेबलिंग. तो ये जो दो आपको यहाँ पे ग्रीनिश दिख रहे हैं, ये दोनों ग्रीन एल्गीज हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये यहाँ पे जो आपको और दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, वी कैन टेक देम ऑल्सो. ओके, सो एल्गी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ एज वेल एज इन क्रॉप प्रोडक्शन. चैप्टर में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पे आने वाला हमारा जो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और क्रॉप की जो ग्रोथ होती है और कैपेसिटी होती है सॉइल को, उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, अब जो थर्ड टाइप है हमारे पास एल्गी का, वो कौन सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड डायटम्स. ठीक है, डायटम्स क्या होते हैं, ये मरीन एल्गी होते हैं. मरीन मतलब ये पानी में रहने वाले एल्गी होते हैं जो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोरेज फैट्स अलॉन्ग विद सिलिका. ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि इनके अंदर फैट्स होते हैं और प्लस सिलिका होता है. यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, मैनी फॉर्म्स ऑफ डायटम्स. ठीक है, डायटम्स जो होते हैं उनके बहुत सारे दे रखे हैं यहाँ पे डायग्राम्स, यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायटम एल्गीज. अब बात करते हैं यूजेज ऑफ एल्गी की. तो जो एल्गी होता है उसका बहुत अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग यूज होता है. जैसे अगर मेडिसिन इंडस्ट्री में बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम एल्गी लाइक क्लोरेलिन. क्लोरिन नाम की एल्गी होती हैं, उनसे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो दूसरे जैसे हमारे पास ये एल्गी वगैरह हैं, इनसे हम क्या बनाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे बनाते हैं वो जाके इनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देती हैं हमारी बॉडी के अंदर. ओके, और सिंपली से वी कैन मेक मेडिसिन फ्रॉम एल्गी. ओके, इंडस्ट्रीज जैसे डिफरेंट कमर्शियल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे एल्गी से अगर सोडियम पोटेशियम और आयोडीन जैसे जो होते हैं ये चीज़ें ऑब्टेन की जाती हैं. ठीक है, एल्गी को हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलड्स एंड सूप्स. ठीक है, एग्रीकल्चरल एरिया में हमें पता ही है पहले से कि एल्गी किस टाइप से यूज़ होती है, इट इज़ यूज एज नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट. ठीक है, और स्पेस में अगर हम बात करें तो एल्गी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन और स्पेसशिप्स में फूड जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको फूड का भी एक सोर्स बन सकती है. ठीक है, अब बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी. हार्मफुल इफेक्ट में एल्गी के अंदर आता है सबसे पहले टॉक्सिक. अगर मान लो कुछ एल्गी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ कर रही है, कुछ एल्गी ऐसी भी होती है जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं, तो वो वाटर बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे फिशेज़ वगैरह को मास किलिंग कर सकती हैं. सेकेंड आता है पैरासिटिक, और कुछ एल्गीज इस टाइप की होती हैं जिन्हें अगर हम खा लें तो वो पैरासिटिक बिहेवियर की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें कोई भी सीरियस डिजीज़ से वो कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकती हैं.
और जो थर्ड आता है इसमें वो आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में क्या होता है कि मान लो अगर किसी पर्टिकुलर जगह में एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए तो उनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होने से जो पानी है वो पूरा वहाँ पे ख़राब हो सकता है उसका टेस्ट और ऑर्डर। ठीक है, सो दीज आर द हार्मफुल और इल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी। एंड द लास्ट वन इज़ एल्गी कैन डैमेज टेक्सटाइल्स एंड बिल्डिंग्स। अगर एल्गी कहीं